नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 5 बेस्ट आयुर्वेदिक ब्रेन टॉनिक्स के बारे में जानेंगे, जो बहुत इफेक्टिव है, सेफ है और साथ ही में आयुर्वेद की संहिताओं में इन वनस्पतियों का, इन औषधियों का वर्णन दिया हुआ है। और आज के समय में भी हमें इनकी बहुत ज़रूरत है, जैसे कि बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस को मैनेज करना है, या फिर जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनको भी विस्मरण या याददाश्त से संबंधित कुछ तकलीफें हैं या काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाते हैं, तो सभी को इन ब्रेन टॉनिक्स की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में हम इनकी पूरी जानकारी लेंगे कि आपने इनका सेवन कैसे करना है, इनके फ़ायदे क्या क्या है, इनकी मात्रा यानी आपने इसका डोज कितना लेना है, और हम ये सारी चीज़ें आपको करके बताएंगे ताकि आपको इनको समझना आसान हो, आप इन्हें इजीली ले पाए। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। चरक ऋषि ने चरक संहिता इस ग्रंथ में मानसिक विकारों पर 2 अध्याय लिखे हैं। यह है उन्माद और अपस्मार चिकित्सा अध्याय। इसमें सभी तरह के मानसिक विकार, उनकी चिकित्सा, उनके लिए दिए जाने वाली औषधियां, इन सभी का वर्णन उन्होंने दिया हुआ है। तो अगर आपको चिंता है, तनाव है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, इरिटेशन रहता है, या फिर घबराहट होती है, नींद नहीं आती, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन है, यहाँ तक कि एक्सट्रीम अगर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, यानी जैसे कि झटके वगैरह आते हैं, तो इन सभी के लिए उन्होंने एक औषधि बताई है। इसका नाम है पंचगव्य घृत। पंचगव्य घृत या पंचगव्य घी में 5 औषधियाँ हैं। इसमें देखिए, गाय का जो दूध है या दही, गोघृत यानी गाय का घी, गोमूत्र और गोबर का रस, तो इन 5 औषधियों को समान मात्रा में लेके धीमी आंच पर आपने पकाना है, जब तक सिर्फ घी ना बच जाए। तो उस तरह इसे बनाया जाता है। आप इसे घर पे भी बना सकते हैं, या फिर ये बना बनाया भी आपको आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर मिल सकता है। अब देखते हैं कि इसका सेवन आपने किस तरह से करना है। सुबह खाली पेट आपने इसे लेना है, 1 से 2 चम्मच गर्म या गुनगुने पानी के साथ आपने लेना है। जब तक अच्छी भूख ना लगे तब तक कुछ भी नहीं खाना है, प्रिफरेबली 1 से 2 घंटा आपने कुछ भी नहीं खाना है। तो इस तरह से ओरली आपने इसका सेवन करना है। अगर बीमारी ज़्यादा है तो इसका डोज भी ज़्यादा लिया जा सकता है। दूसरा है प्रतिमर्शन नस्य के रूप में, यानी नाक में इसकी 2-2 बूंदे आपने डालनी है। तो रात को सोने के पहले इसको हल्का गर्म करके वो जो गुनगुना घी है इसको 2-2 बूंद नाक में आपने डालना है। सुबह भी आप इसे एक बार फिर से डाल सकते हैं। तीसरा है पादाभ्यंग के लिए, यानी इसको पैरों के तलवों में लगा के आपने जेंटली मसाज करना है। तो इस तरह अलग अलग तरीकों से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये मानसिक विकारों के लिए एक बहुत अच्छी औषधि है, एक बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है। अगला जो ब्रेन टॉनिक है वो है जायफल। इसे संस्कृत में जाति फल भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे नटमेग कहा जाता है। ये वात को कम करने के लिए बहुत अच्छी चिकित्सा है। अब देखिए, जब भी शरीर में वात दोष बढ़ता है तो वात के कारण मन के जो विचार है वो बहुत ज़्यादा आना, नींद कम आना, मन का अस्थिर होना, चंचलता, ये गुण बढ़ना, ये सारी चीज़ें दिखाई देती है, तो इनको ये कम करता है। साथ ही में नर्व रिलेटेड अगर आपको पेन है तो उसको भी ये कम करता है। बहुत अच्छी औषधि है। अब इसका सेवन कैसे करना है, तो आप इसे थोड़े से दूध में घिस के उसका लेप माथे पे कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है और नींद नहीं आती तो ये उपाय भी आपको बहुत अच्छा फायदा कर सकता है। साथ ही में इसके चूर्ण का सेवन आप कर सकते हैं। इसकी मात्रा है 0.5 से 1 ग्राम। आप इसे दूध में, स्पेशली भैंस के दूध में मिला के ले सकते हैं, क्योंकि जो भैंस का दूध है ये निद्रा जनन करने वाला है, और ये जो जायफल है ये भी अच्छी नींद लाने के लिए मदद करता है। तो जायफल का चूर्ण 1 कप थोड़े से गुनगुने दूध में मिला के आपने रात को सोने के पहले इसे लेना है। इस तरह से ये भी बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है। अगर आप कोई रेडीमेड औषधि चाहते हैं जो इफेक्टिव हो और साथ ही में सेफ हो, तो आप वेदिस्त्री मेमोशार्प कैप्सूल और मेंटाकाम टैबलेट ले सकते हैं। अब देखिए, वेदिस्त्री चरक फार्मा का पार्ट है, जो 1947 से आयुर्वेदिक मेडिसिन के लीडर रहे हैं। और ये जो वेदिस्त्री मेमोशार्प कैप्सूल है, ये क्लिनिकली प्रूवन आयुर्वेदिक वनस्पतियों का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि ब्राह्मी, यष्टि मधु, मंडूकपर्णी, आमल की और हरिद्रा। ये फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन इनको इम्प्रूव करने के लिए मदद करती है। साथ ही में जो एज रिलेटेड मेमोरी लॉस है या मेंटल फटीग है, इनसे भी बचाव करती है।
या इनको कम करने के लिए भी मदद करती है। इस तरह से ये एक इफेक्टिव आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चे या एज की वजह से जिन्हें मेमोरी प्रॉब्लम आ रहा है वैसे एल्डरली लोग इसे ले सकते हैं। और ये नॉन एडिक्टिव है, यानी आपको इसकी आदत नहीं पड़ती। इसका डोज है 1 कैप्सूल, दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद आपने इसे लेना है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए 3 महीने आप इसे ले। दूसरी जो औषधि है वो है वेदिस्त्री मेंटाकाम टैबलेट। ये एक आयुर्वेदिक स्ट्रेस रिलीवर है। इसमें ब्राह्मी, शंख पुष्पी, अश्वगंधा, ज्योतिषमती, वचा, अर्जुन, तगर, इन जैसी गुणकारी आयुर्वेदिक औषधि वनस्पतियों का समावेश है। ये अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है तो उसको कम करती है, मन को शांत करने के लिए मदद करती है, मूड फ्लक्चुएशंस अगर आपको है तो उनको भी कम करती है, मेंटल फटीग है या मेंटल एग्जर्शन है तो इनसे भी आपका बचाव करती है। इसका जो डोज है वो है 1 टैबलेट, दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद आपने इसे लेना है और अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इसे 3 महीने ले। ये एक नॉन एडिक्टिव, नॉन ड्राउजी, शुगर फ्री और नेचुरल प्रोडक्ट है। आप इसे सेफली ले सकते हैं। अगर आप वेदिस्त्री, मेमोशार्प या मेंटाकाम इन प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं या इन्हें परचेस करना चाहते हैं तो इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला जो ब्रेन टॉनिक है वो है कुष्मांड। तो वाग्भट ऋषि के अनुसार लताओं पर यानी बेल पर उगने वाले फलों में ये जो कुष्मांड है ये उत्तम माना गया है। वो कहते हैं वल्ली फलानाम प्रवरम कुष्मांडम। कुष्मांड यानी इसे आप पेठा, सफेद पेठा, कोहोड़ा, व्हाइट गॉड या एश गॉड भी इसे कहा जाता है। तो संस्कृत में इसका नाम है कुष्मांड। अब देखते हैं कि ये आपको किस तरह से मदद करता है। ये एक बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है। इसका प्रभाव मेध्य है यानी दिमाग के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। साथ ही में ये मेधा शक्ति को बढ़ाता है, तो मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस इसको ये बढ़ाता है। अगर आपको इरिटेशन है, गुस्सा ज्यादा आता है तो उसको कम करेगा। साथ ही में निद्रा जनन करने वाला है, यानी जिन लोगों को नींद ठीक से नहीं आती उनकी नींद की क्वालिटी को ये इम्प्रूव करेगा। अगर किसी को विस्मरण है, याददाश्त कम हुई है तो उसको बढ़ाने के लिए ये हेल्प करेगा। मस्तिष्क के लिए ये बल देने वाला है, तो सभी तरह के जो मानसिक विकार है इनके लिए ये लाभदायक है। अब देखिए, ये जो कुष्मांड है ये शरीर में वात और पित्त इन दोषों का शमन करता है, यानी इनको कम करता है। लेकिन आयुर्वेद में जो पक्व कुष्मांड यानी जो पका हुआ ये जो पेठा या कोहोड़ा है इसे सर्व दोष हर बताया हुआ है। अब देखते हैं कि आपने इसका सेवन कैसे करना है। तो इसके ऊपर का छिलका निकाल के इसके टुकड़े बना के आपने इन्हें कद्दूकस करके लेना है और फिर कपड़े से छान के इसका रस निकालना है। या तो फिर आप मिक्सर में इन्हें बारीक करके फिर छान के भी इसका रस ले सकते हैं। बिना छाने भी अगर आप इसे लेते हैं तो इसके फाइबर्स अंदर जाएंगे तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। आपने सुबह इसे खाली पेट लेना है। जब तक अच्छी भूख ना लगे तब तक आपने कुछ भी नहीं खाना है। अब आपने इसे 50 ml की मात्रा से स्टार्ट करना है। धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हैं, आधा ग्लास या उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। अब देखिए, जो लोग पित्त प्रकृति के हैं, जिनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, उन लोगों ने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में इसे लिया तो भी चलेगा। भाव प्रकाश निघंटू में इसकी जो मात्रा बताई हुई है वो है 60 से 120 ml की। तो इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपने नहीं लेना है। इसे जूस की जगह पे दूसरे रूपों में भी आप ले सकते हैं, जैसे कि घी में भून के आप इसका हलवा बना सकते हैं या इसका जो मीठा पेठा मिलता है वो भी आप ले सकते हैं। आयुर्वेद में इसके कुछ कल्प भी बताए हुए हैं, जैसे कि कुष्मांड रसायन है, कुष्मांड अवलेह है। तो ये भी आप 1-1 चम्मच 2 बार खाली पेट आपने इसे लेना है, यानी सुबह खाली पेट और शाम को भी आपके खाना खाने के पहले आपने इसका सेवन करना है। तो इस तरह से ये भी बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है। अगला जो ब्रेन टॉनिक है इसे संस्कृत में वचा या वच कहा जाता है। ये भी एक बहुत अच्छी औषधि है। इसका भी जो प्रभाव है ये मेध्य है, यानी बुद्धि के लिए, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। ये वाक शक्ति को भी बढ़ाती है, यानी वाणी को अच्छा रखने के लिए मदद करती है। तो अगर बच्चों को तुतलाने की आदत है तो आप इसे दे सकते हैं। इवन छोटे बच्चों में जो आप घूटी या जन्म घूटी देते हैं तो इसमें भी इसे घिस के दिया जाता है, वो भी उनके बुद्धि को बढ़ाने के लिए मदद करती है। इसे इसके तीक्ष्ण गुण के कारण ये तमो दोष का आवरण हटा के चेतना शक्ति को बढ़ाती है, इसीलिए सभी प्रकार के मानस विकारों में इसे दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका सेवन आपने किस तरह से करना है। इसको बहुत कम मात्रा में लेना है। इसका जो डोज है वो है 125 मिलीग्राम से लेकर मैक्सिमम 500 मिलीग्राम। अब देखिए, ये तीक्ष्ण उष्ण है तो शरीर में पित्त दोष को बढ़ाती है।
इसीलिए बहुत सावधानी के साथ आपने इसका सेवन करना है। बच्चों को आपने इसकी बिल्कुल एक चुटकी से दो चुटकी तक आप उन्हें दे सकते हैं, शहद या घी में मिला के आपने देना है। अगर आपके पास इस तरह से रॉ फॉर्म में है तो दूध में घिस के उसका सेवन भी आप उनको यानी उनको दे सकते हैं। अगर बड़े लोग हैं तो इसको दो से चार चुटकी तक ले सकते हैं, वो भी इसी तरह से घी में मिला के या शहद में मिला के ले सकते हैं। मैं जनरली इसे मुलेठी के चूर्ण के साथ देना प्रिफर करती हूँ। अब देखिए, मुलेठी भी पित्त को शमन करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। ये भी आयुर्वेद में रसायन औषधि कही गई है और ये भी बुद्धि को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है। आपने मुलेठी का चूर्ण पाव से आधा चम्मच लेना है और इसमें दो से तीन चुटकी वचा चूर्ण मिला के इसका सेवन करना है। इसको थोड़ा थोड़ा आपने चटा के लेना है, थोड़ी देर आपने इसको टंग पे रहने दे ताकि इसका और अच्छा रिजल्ट आपको मिल सके। तो इस तरह से ये भी एक बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने पांच आयुर्वेदिक ब्रेन टॉनिक्स की पूरी जानकारी ली है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।